वो खजाइन जो हजारों साल से اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मज़हब की सच्चाई के बारे में सैयदना हज़रत मसीह माउद अलह सलातु व सलाम फरमाते हैं याद रहे कि किसी मज़हब की सच्चाई साबित करने के लिए यानी इस बात के सबूत के लिए कि वो मजहब मिनजानिबल्ला है दो किस्म की फतह का उसमें पाया जाना ज़रूरी है अव्वल ये कि वो मजहब अपने अकाइद और अपनी तालीम और अपने अहकाम की रूह से ऐसा जामे और अकमल और आतम और नक्स से दूर हो कि उससे बढ़कर अकल तजवीज़ न कर सके और कोई नक्स और कमी उसमें दिखलाई न दे और उस कमाल में वो हर एक मजहब को फतह करने वाला हो यानी उन खूबियों में कोई मजहब उसके बराबर न हो जैसा कि ये दावा कुरान शरीफ़ ने आप किया है कि अमा अकमल तोल दी कम वतम तोम नमति वरजीत लकमास्सलाम दीना सूरतम आयत नंबर चार यानी आज मैंने तुम्हारे लिए अपना दीन कामिल कर दिया और अपनी नेमत को तुम पर पूरा किया और मैंने पसंद किया कि इस्लाम तुम्हारा मजहब हो यानी वो हकीकत जो इस्लाम के लफ्स में पाई जाती है जिसकी तशरी खुद खुदा ताला ने इस्लाम के लफ्ज़ के बारे में बयान की है उस हकीकत पर तुम क़ायम हो जाओ इस आयत में सरी ही ये बयान है कि क़ुरान शरीफ़ ने ही कामिल तालीम अता की है और शरीफ़ का ही ऐसा ज़माना था जिसमें कामिल तालीम अता की जाती बस ये दावा कामिल तालीम का जो क़ुरान शरीफ ने किया ये उसी का हक़ था इसके सिवा किसी आसमानी किताब ने ऐसा दावा नहीं किया जैसा कि देखने वालों पर जाहिर है कि तो और इंजील दोनों इस दावे से दस्तबरदार हैं क्योंकि तो में खुदा ताला का ये कौल मौजूद है कि मैं तुम्हारे भाइयों में से एक नबी कायम करूँगा और अपना कलाम उसके मुँह में डालूँगा और जो शख्स उसके कलाम को न सुनेगा मैं उससे मुतालबा करूँगा बस साफ जाहिर है कि अगर आइंदा ज़माना की ज़रूरतों की रू से तौरात का सुनना काफ़ी होता तो कुछ ज़रूरत न थी कि कोई और नबी आता और मुआखज़ा इलाहिया से मुखलिसी पाना उस कलाम के सुनने पर मौकूफ़ होता जो उस पर नाजिल होता ऐसा ही इंजील ने किसी मकाम में दावा नहीं किया कि इंजील की तालीम कामिल और जामे है बल्कि साफ़ और खुला खुला इकरार किया है कि और बहुत सी बातें काबिल बयान थीं, मगर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते लेकिन जब फारकलीत आएगा वो सब कुछ बयान करेगा अब देखना चाहिए कि हज़रत मूसा आसम ने अपनी तो को नाकिस तस्लीम करके आने वाले नबी की तालीम की तरफ तवज्जो दिलाई है ऐसा ही हज़रत ईसी ने भी अपनी तालीम का नामकम्मल होना कबूल करके ये उज़र पेश कर दिया कि अभी कामिल तालीम बयान करने का वक्त नहीं है लेकिन जब फारकली आएगा तो वो कामिल तालीम बयान करेगा मगर क़ुरान शरीफ ने तोरेत और इंजील की तरह किसी दूसरे का हवाला नहीं दिया बल्कि अपनी कामिल तालीम का तमाम दुनिया में ऐलान कर दिया और फरमाया कि अल्योमा अकमल तोल दी कम वतम तोम नमति वजीतलकुमस दीना बस इस्लाम की सच्चाई साबित करने के लिए ये एक बड़ी दलील है कि वो तालीम की रूह से हर एक मजहब को फतह करने वाला है और कामिल तालीम के लिहाज से कोई मजहब उसका मुकाबला नहीं कर सकता दुम फिर दूसरी किस्म फतह की जो इस्लाम में पाई जाती है जिसमें कोई मजहब उसका शरीक नहीं और जो उसकी सच्चाई पर कामिल तौर पर मुहर लगाती है उसकी जिंदा बरक़ात और मोजात हैं जिनसे दूसरे मजाहब बकुल्ली महरूम हैं ये ऐसे कामिल निशान हैं कि उनके जरिया से न सिर्फ इस्लाम दूसरे मजाही पर फतह पाता है बल्कि अपनी कामिल रोशनी दिखलाकर दिलों को अपनी तरफ खींच लेता है याद रहे कि पहली दलील इस्लाम की सच्चाई की जो अभी हम लिख चुके हैं यानी कामिल तालीम, वो दरहक़ीक़त इस बात के समझने के लिए कि मजहब इस्लाम जानबल्ला है एक खुली खुली दलील नहीं है क्योंकि एक मुतासिब मुनकर जिसकी नज़र बारीक भी नहीं है कह सकता है कि मुमकिन है कि यह कामिल तालीम भी हो और फिर खुदा ताला की तरफ से न हो बस अगरचे ये दलील एक दाना तालब हकू बहुत से शकूक से मुखलसी देकर यकीन के नज़दीक कर देती है लेकिन ताहम जब तक दूसरी दलील मजकूरा बाला उसके साथ मुंजिम और पेवस्ता ना हो कमाल यकीन के मीनार तक नहीं पहुंचा सकती और इन दोनों दलीलों के इजतमा से सच्चे मजहब की रोशनी कमाल तक पहुंच जाती है और अगरचे सच्चा मजहब हज़ारहा आसार और अनवार अपने अंदर रखता है लेकिन ये दोनों दलीलें बगैर हाजत किसी और दलील के तालब हक़ दिल को यकीन के पानी से सैराब कर देती हैं और मुकजबों पर पूरे तौर पर इतमाम हजत करती हैं इसलिए इन दो किस्म की दलीलों के मौजूद होने के बाद किसी और दलील की हाजत नहीं रहती और मैंने पहले इरादा किया था कि इस बात हकीत इस्लाम के लिए तीन सौ दलील बराहन अहमदिया में लिखूँ लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि ये दो किस्म की दलाइल हज़ारा निशानों के क़ायम मकाम हैं लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि ये दो किस्म के दलाइल हज़ारहाँ नशानों के कायम मकाम हैं बस खुदा ने मेरे दिल को इस इरादा से फेर दिया और मस्कुरा बाला दलाइल के लिखने के लिए मुझे शराह सदर इनायत किया बराहिन ने अहमदिया हिस्सा पंजुम रूहानी खजाइन जल्द इक्कीस सफ़ा नंबर तीन था छः अल्लाह ताला हम सबको इन हिदायत पर अमल करने की तोफ़ी क़ता फरमाए व आखिर दावाना रब्बिल आलमीन